बाहरी जिलों से लोगों का प्रदेश में पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। लोग अलग व अन्य राज्यों और अन्य जिलों से बिलासपुर में पहुंच रहे हैं। सभी का स्वास्थ्य परीक्षण के बाद संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर में उन्हें भेजा जा रहा है। इससे पहले जिला बिलासपुर में कर्नाटका और गोवा से भी लोग पहुंच चुके हैं, जिन्हें भी प्रशासन के द्वारा इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन में रखा गया है। जिला बिलासपुर से संबंधित घुमारवीं तहसील के कुछ लोग बाहरी जिलों से भी आए हैं, जिन्हें अपने अपनी पंचायतों में क्वारंटाइन सेंटर्स में रखा गया है। पटियाला से घुमारवीं पहुंची युवती जो कुठेड़ा पंचायत से संबंध रखती थी, उसे वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुठेड़ा में बने क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिन के लिए रखा गया है। घुमारवीं के उपमंडल अधिकारी शशिपाल शर्मा ने घुमारवीं क्षेत्र में सभी क्वारंटाइन सेंटरों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि बिलासपुर से संबंध रखने वाले 11 लोग बिलासपुर पहुंचे हैं, जिन्हें अलग अलग पंचायतों में सभी को इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन किया गया है। सभी लोगों को मेडिकल जांच भी करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि बाहरी राज्यों से पहुंचे और आने वाले सभी लोगों को इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन पे रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की इस महामारी से बचाव के लिए सरकार के नियमों और मापदंडों का सभी को पालन करना चाहिए। तहत जितने भी पंचायत स्तर पर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन तैयार किए गए हैं, चलाए जा रहे हैं, उनका निरीक्षण किया जा रहा है अलग अलग जगह जाकर, और पूरे उपमंडल में लगभग सभी पंचायतों में एक एक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन तैयार किया गया है, और रेड जोन से जितने भी लोग आ रहे हैं उन सभी को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा जा रहा है। आज सुबह तक 50 लोग ऐसे हैं जो कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में अलग अलग सेंटर्स पे रखे गए हैं। इनमें व्यवस्था के लिए जो है तो संबंधित ग्राम पंचायत को विशेष तौर पर हिदायत दी गई है कि इनके रहने खाने की व्यवस्था जो है तो वो सुनिश्चित की जाए, क्योंकि संबंधित पंचायत में रह रहे हैं तो यदि वो घर वाले भी व्यवस्था कर पाएं तो बहुत बढ़िया, नहीं करेंगे तो पंचायत वालों को आदेश दिए गए हैं कि वो करेंगे। और इसके अलावा आज इंस्पेक्शन के दौरान ये पाया गया कि एक सैनिटाइजेशन जो है तो शायद रेगुलरली नहीं हो रहा है, उसमें सभी पंचायतों को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक रोज एक बार जो है तो सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन के साथ जो सेंटर है उसका सैनिटाइजेशन सुनिश्चित करें।